अंशुमान सिंह पुनः एक बार आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पीछे आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा उसमें जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा कमेंट भी किया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है। तो अनुवांशिकता के सिद्धांत को देखिए, पहला अनुवांशिकता का सिद्धांत है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन ने क्या किया, इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें जो गुण आते हैं वो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उनका क्या होता है, अगर जितने पीछे पीढ़ी आप चलते जाएंगे परसेंटेज उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। इन्होंने ये कहा कि अगर ये बच्चा है तो अपने माता पिता से इसके उसके माता पिता के गुणों का 50% मिलने की संभावना रहती है, लेकिन अगर उसके दादा दादी के सेंस में देखा जाएगा तो उनके गुणों का 25% ही बच्चे में ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है। उससे एक पीढ़ी और आप पीछे जाओगे तो उसके गुणों की संभावना होगी 12.5% ही उनके गुणों का बच्चे में मिलने की संभावना रहती है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता गया क्रम। तो गाल्टन ने ये दिया सिद्धांत कि बच्चा जो है उसमें सबसे ज़्यादा जिसके गुणों को मिलने की संभावना होती है वो होते हैं उसके पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता से थोड़ा कम पाएगा वो अपने दादा दादी से या नाना नानी से, फिर उससे कम पाएगा परदादा या परदादी या परनानी से परनाना से, उसके पीछे ऐसे ही क्या होगा, ये रेशियो परसेंटेज और कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये निकाला उन्होंने निष्कर्ष कि माता पिता से उसे गुणों का मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है बच्चा जो पाता है। दूसरा सिद्धांत है अनुवांशिकता में अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत, या इसी को लेमार्क का सिद्धांत भी बोलते हैं। थियरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड, ये क्या होता है, तो इस तरह से इसको इन्होंने लेमार्क ने जो था एक रिसर्च किया, उन्होंने देखा जिराफ पर कि जो जिराफ था उसकी गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, उसकी गर्दन एक नॉर्मल घोड़े की तरह हुआ करती थी। इन्होंने ये देखा, रिसर्च देखा कि क्या हुआ कि जिराफ खाता था घास पत्ते वगैरह अपना खाता रहा होगा, जब ये खाते थे तो नीचे का खाते खाते क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब नीचे की चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो अब इसे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो इसने भोजन के लिए क्या किया, तो पेड़ पौधे के जो पत्ते ऊपर रह गए थे उसे ये खाने के लिए क्या करेगा, तो अपने गर्दन को ऊपर करेगा। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, इकट्ठा तो एक अचानक तो बड़ी होगी नहीं, ये ऐसे ही ये प्रक्रिया जारी रखा अपना, इसकी पीढ़ियाँ जारी रखीं, धीरे धीरे जारी रखते तो हुआ क्या कि इनका जब यूज ज़्यादा करने लगा तो ये इसकी गर्दन जो है क्या हो गई, लंबी हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि देखिए अब ये जिराफ में पैतृक रूप से इसकी बड़ी हुई गर्दन तो मिली नहीं थी, इसने क्या किया, बाद में अपने प्रयासों के द्वारा उस गुण को अर्जित किया था अपने अंदर, लेकिन अब इसकी नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी क्या हो रही, इससे इस गुणों को पा जाएगी। जो इसकी अगली पीढ़ी होगी वो क्या कर रही है, इस जिराफ के द्वारा अर्जित जो वो गुण था कि इसकी गर्दन क्या हो जाए, लंबी हो गई, वो लंबी गर्दन अब जो जिराफ के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका क्या होती है, गर्दन जो है लंबी रहती है। अरे वसन में तो ये क्या है कि अर्जित किए हुए गुणों का भी ट्रांसफर होता है। मतलब आनुवंशिकता में ये माना गया है, लेमार्क ने ये सिद्धांत दिया कि यदि कोई पेरेंट्स अपने द्वारा कोई गुण अर्जित करता है तो उस गुण के भी बच्चे में ट्रांसफर होने की संभावना रहती है, उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे सपोज करिए कोई माँ बाप है, किसी का पिता है, वो मान लीजिए पढ़ा लिखा है, अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है अपना के, तो बच्चा भी क्या होगा वो चीज़ों का देख करके, तो बच्चा जो उसका पैदा होगा, गारंटी तो नहीं है लेकिन ये है कि उससे भी क्या है, इंटेलिजेंस या इस तरह का पढ़ा लिखा, मतलब कि उसका माइंड जो है पढ़ाई में लगे। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा देखेंगे तो डॉक्टरी की तरफ ही वो ज़्यादा, मतलब उसका जो झुकाव रहेगा वो डॉक्टरी की तरफ रहेगा। कोई टीचर है तो उसके बच्चे का झुकाव टीचिंग लाइन की तरफ होगा। कोई वकील है उसके बच्चे का झुकाव वकील के एडवोकेट लाइन की तरफ रहेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो गुण आपने बाद में अर्जित किया है उस गुण का भी आपके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। अगला क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिग्रेशन, ये क्या सिद्धांत है, तो इसके अंतर्गत जो है हुआ ये कि सपोज करिए कोई माता पिता जो है, मान लीजिए ये माता है और ये पिता है, ये पिता इंटेलिजेंट है और ये माता कम इंटेलिजेंट है, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसका ये होना है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है और सुस्त भी हो सकता है। हो सकता है ये दोनों इंटेलिजेंट हों तो भी बच्चे का क्या है, इंटेलिजेंट होने की संभावना बनी रहती है। या सपोज करो कोई ये हो, ये इंटेलिजेंट हो, पिता इंटेलिजेंट ना हो, तो बच्चे का भी दोनों में से किसी के भी गुण पाने की संभावना
रहती है। अब इसका क्या हुआ, एक काली कक का परिवार था, काली काक का परिवार था, उसने रिसर्च किया कि दो माताएं थी, माता वन माता टू, तो वो जो पिता था ये दोनों क्या थी, एक जो थी प्रभावशाली मतलब इंटेलिजेंट थी और एक जो थी वो सुस्त थी मतलब इंटेलिजेंट नहीं थी। इसने क्या किया, इसके साथ संबंध बनाया और यहाँ से जो बच्चा पैदा हुआ और इसके साथ संबंध बनाया ये इंटेलिजेंट पिता ने, तो उससे भी जो बच्चा पैदा हुआ तो देखा गया कि इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो इंटेलिजेंट था और इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या था, थोड़ा सुस्त था। तो इसी को कहा गया है कि क्या होगा, हो सकता है माँ बाप में से कोई अगर मान लो इंटेलिजेंट है या दोनों इंटेलिजेंट है तो बच्चे के भी इंटेलिजेंट पैदा होने की संभावना रहती है। गारंटी नहीं होती है, कोई 100% सत्य नहीं है, लेकिन ये है कि संभावना ज़्यादातर ये रहेगी। अगर मान लो माता पिता काले हैं तो हो सकता है बच्चे के भी काला पैदा होने की संभावना होगी, अगर हो सकता है माता पिता गोरे हैं तो बच्चे के भी गोरे पैदा होने की संभावना रहेगी, लेकिन कोई फिक्स नहीं रहता है। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत ये होता है कि आपका क्या है कि सपोज करो ये माता पिता अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे के भी इंटेलिजेंट पैदा होने की संभावना है। आगे देखिए, अगला है मेंडल का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, ये ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, तो इन्होंने क्या किया कि मटर लिया, मटर का दाना, एक छोटा मटर लिया और एक बड़ा मटर लिया, दोनों को मिक्स करके अगली प्रजाति जो है इसका क्या किया, इन्होंने पैदा करवाया। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि जो अगली प्रजाति आई हुई है उसमें क्या हो रहा है, पूरे के पूरे गुण जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। होता क्या है कि हर व्यक्ति या हर माँ बाप में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सुस्त होते हैं मतलब सुस्त रहते हैं। अब क्या हुआ कि सपोज करो दोनों का सक्रिय वाला गुण अगर क्या हो गया, कम संबंध बनाया या साथ में आया, तो जो बच्चा अगला जो पैदा होगा उसका क्या है, सक्रिय पैदा होने की संभावना है। हो सकता है दोनों सुस्त वाले, क्योंकि दोनों में ये गुण रहते हैं, सुस्त भी रहेंगे सक्रिय भी रहेंगे, सुस्त भी रहेंगे और सक्रिय भी रहेंगे। तो अगर मान लीजिए ये सक्रिय वाले दोनों मिल गए तो सक्रिय संभावना है, ये सुप्त वाले मिल गए तो सुप्त होने की संभावना है, लेकिन ये सुप्त और ये सक्रिय मिल गया, ये सक्रिय और ये सुप्त मिल गया तो क्या है, तो देखा कि इन्होंने 50% कि दो के सक्रिय या मतलब सेम गुणों के होने की संभावना है और दो ऐसे हैं जो दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण ले रहे हैं, जो प्रभावी होगा वो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही ये क्रम इन्होंने चलाया कि नेक्स्ट अगली वो पकड़ेंगे, तो इन्होंने देखा जैसे अब यहाँ से आए आप तो ये सपोज करो पैदा हो गया आपका सुप्त और ये पैदा होगा आपका सक्रिय, ये भी हो गया आपका जो है सुप्त। अब ये दोनों तो एक पक्का हो गया कि ये क्या होगा, सक्रिय होगा और एक सुप्त हो जाएगा, लेकिन ये सुप्त और सक्रिय दोनों होने की संभावना है, क्या होगा ये कोई पक्का नहीं है, ये भी सुप्त या सक्रिय भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, देखिए ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दो, मैंने बताया कि मटर के दाने लिए, एक छोटा मटर एक बड़ा मटर, उनका उन्होंने आपस में संयोग किया और एक अगली प्रजाति पाई, तो इस प्रजाति में इनके गुणों का ट्रांसफ़र होने का उन्होंने ये रेशियो देखा कि यदि दोनों हैं तो इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहे थे पूरे के पूरे गुण ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। आप बताए थे कि दोनों में देखिए कुछ ऐसे रहते हैं जो सुस्त गुण होते हैं, कुछ सक्रिय रहते हैं, कुछ गुण सक्रिय रहते हैं कुछ सुप्त होते हैं, तो अगर सक्रिय सक्रिय मिला तो सक्रिय पैदा हो गया, सुप्त और सुप्त मिला तो सुप्त पैदा हो गया, लेकिन एक सुप्त इसका और एक सक्रिय इसका मिल गया, इसका सक्रिय और इसका सुप्त मिल गया तो अलग आया। इसी तरह से उन्होंने प्रयोग किया, ढेर सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणों के जो ट्रांसफ़र होने की जो रेशियो है वो 3:1 था। 3:1 ये था कि जो उसमें सक्रिय ज़्यादा हो गया वो मिल जाएगा तीन में, अगर चार मिले तो देखिए उसमें से क्या हो गया, तीन हमारे वो मिल जाएंगे जो उस समय क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और एक वो रहेगा जो प्योर मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो ये इन्होंने दिया कौन, मेंडल ने अपना सिद्धांत किया मटर पर प्रयोग करते हुए। अगला सिद्धांत है समानता और भिन्नता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिजेमेलेंस एंड वेरिएशन। ये सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि मान लीजिए मनुष्य है तो उसका बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा, बंदर है तो उसका बच्चा बंदर ही पैदा होगा, अगर मान लीजिए कि गाय है तो उसका बच्चा गाय ही पैदा होगा। इस तरह से इन्होंने ये कहा कि समानता और भिन्नता का सिद्धांत,
कि जो प्रजाति है उसके बच्चे की भी उसी प्रजाति में पैदा होने की संभावना है, ये दिखाया संभावना। लेकिन भिन्नता इसमें क्या है, तो सपोज करिए ये गाय सफ़ेद है तो ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चा ये उसका होगा वो भी सफ़ेद पैदा हो, वो हो सकता है कैसा पैदा होगा, हो सकता है अब किस तरह के उसके जो पेरेंट्स जो मेल है वो किस कलर का कैसा है, तो दोनों के गुणों का पाने का संभावना है। इसका मतलब कोई भी गुण पा सकता है, लेकिन ये है प्रजाति के रूप में वो गाय ही पैदा होगा, मतलब उसी का बच्चा बछड़ा होगा या बछिया होगी जो भी होगा। इसी तरह से मनुष्य में देखिए, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन ये क्या होगा उसमें गुण जो होंगे ये जरूरी नहीं है कि ये मनुष्य जो है माँ गोरी है तो बच्चा भी गोरा हो जाए, माँ हो सकता है काली हो बच्चा गोरा हो जाए, पिता हो सकता है गोरा हो बच्चा काला हो जाए। तो ये समानता और भिन्नता का सिद्धांत है कि लेकिन प्रजाति के रूप में तो सेम रहेंगे, मतलब वही प्रजाति में पैदा होगा बच्चा, लेकिन गुण जो है जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा गुण जो है एडाप्ट कर ले, कुछ गुण में डिफरेंट हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों पर आनुवंशिकता का सिद्धांत, इसको हम लोगों ने देखा। वीडियो देखिएगा कैसा लगेगा, देखकर कमेंट जरूर करिएगा। फिर जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।